हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए हैं टिकटॉक के बहुत बड़ी खबर लेकर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, टिकटॉक पे रवन कुमार का 1.7 मिलियन फॉलोवर था, उसका आईडी जो है हैक हो चुका है। तो दोस्तों इसे रिकवरी करने में टिकटॉक के टीम काफ़ी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक रिकवरी नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप लोग यदि टिकटॉक पर वीडियो बनाते हैं या फिर तो टिकटॉक पर वीडियो भी देखते हैं, अगला टाइम में आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हम भी टिकटॉक पर वीडियो बनाए और फिर टिकटॉक स्टार बने, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आप टिकटॉक अकाउंट को हैक होने से कैसे आप बचा सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और मैं कुछ सेटिंग बताऊंगा, वो सेटिंग को आपको फॉलो करना है। और यहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा अपने टिकटॉक अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं और यहाँ पे कोई हैक भी नहीं करेगा। यदि हैक कर भी लेता है बाय मिस्टेक, तो आपको यहाँ पे रिकवरी करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा यदि ये सेटिंग आप कर लेते हैं तो। आपको सबसे पहले टिकटॉक आईडी को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद मी पे आना है। मी पे आने के बाद थ्री डॉट पे क्लिक करना है। थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद मैनेज माई अकाउंट पे क्लिक करना है। मैनेज माई अकाउंट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिल जाता है मैनेज ड्राइवर के ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा टिकटॉक अकाउंट कौन कौन से एंड्रॉयड फ़ोन में लॉगिन है यहाँ पे आपको शो कर देगा। तभी देख सकते हैं फिलहाल में मैंने जो वीवो Y55S में यूज कर रहा होता है यहाँ पे मॉडल नंबर शो कर रहा है। यदि टिकटॉक अकाउंट किसी अदर फ़ोन में लॉगिन होगा अदर एंड्रॉयड फ़ोन का मॉडल नंबर आपको यहाँ पर शो कर देगा। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं हमारा टिकटॉक अकाउंट जो है किसी अदर फ़ोन में भी लॉगिन है। तो आपको यहाँ पर करना क्या है, टिकटॉक अकाउंट का पासवर्ड जो है आपको चेंज कर लेना है। इसके बाद फिर से हम बैक करते हैं, यहाँ देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको मिल जाता है ईमेल का। तो यहाँ आपको करना क्या, सिंपल से ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद आपको सेंड कोड पे क्लिक करना है। आपके जीमेल पे एक कोड आएगा, कोड आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाता है फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे आपको यदि फ़ोन नंबर से लॉगिन कर रखे हैं तो अच्छी बात है, फ़ोन नंबर से नहीं कर रखे हैं तो यहाँ पे फ़ोन नंबर भी अटैच कर सकते हैं। तीन तरीका है जो अपने अकाउंट को हैक होने से बचा सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेंस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहता है। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं।